हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा ट्रिक में। आज हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो मैंने इसके ये 24 तक डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं ये राशन फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है? तो इन्हें अच्छे से पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑर्गन प्रिडोमिनेंटली इन्वॉल्व इन मेटाबोलिज्म ऑफ लीवर, ठीक है? लीवर के इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इज, तो ऑर्गन ऑर्गन प्रिडोमिनेंटली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इज ड्रग, तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? तो इसके ऑप्शंस है लीवर, लंग्स, स्टमक या स्प्लीन। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा लीवर, ठीक है? तो ऑप्शन ए राइट है। जो ड्रग मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? मेनली लीवर में होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन ए ड्रग बाइंड टू ए साइलेंट रिसेप्टर, ठीक है, साइलेंट रिसेप्टर पे ड्रग बाइंड करते तो क्या होता है? तो इसके ऑप्शंस है नो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स अकर, द ड्रग गेट मेटाबोलाइज्ड, न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन गेट रिलीज्ड, या डीएनए चेंज अकर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स अकर, ठीक है? जब साइलेंट रिसेप्टर पे ड्रग बाइंड होती है तो उससे क्या होता है? कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं होता। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या है? मीडियन लीथल डोज डिवाइडेड बाय मीडियन इफेक्टिव डोज ऑफ ए ड्रग इज कॉल्ड, ठीक है? तो ये लीथल डोज बाय इफेक्टिव डोज, इसे क्या बोलते हैं? तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा थेरेप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है? ये जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है लीथल डोज, मीडियन लीथल डोज बाय क्या होता है? लीथल डोज बाय इफेक्टिव डोज होता है, ठीक है? ये होता है थेरेप्यूटिक इंडेक्स। तो हम इसको टाइल ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। इसको जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो इसको याद रखना है। थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? लीथल डोज बाय इफेक्टिव डोज होगा, ठीक है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन है, एंटी डायबिटिक ड्रग रिसेंटली इन द न्यूज़ फॉर इट्स प्रोबेबल रिलेशन टू ब्लैडर कैंसर। तो इसका क्या है? ये कौन सी एंटी डायबिटिक ड्रग है जिससे क्या होता है? ब्लैडर कैंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी है, पायोग्लिटाजोन, ठीक है? पायोग्लिटाजोन से क्या होता है? ब्लैडर कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, इनर्ट सब्सटेंस गिवन इन द गार्ब ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड। तो ये इनर्ट सब्सटेंस जो होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं प्लेसिबो। तो ये तो सभी को पता होगा, तो इसका आंसर क्या है? प्लेसिबो है, ठीक है? नेक्स्ट, स्ट्रक्चर कैरिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो किस में होता है? आर्टरी में होता है, वेन में, या लिम्फेटिक्स एंड नर्व्स, ठीक है? तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, वो किस में होता है? वेन्स में होता है, ठीक है? वेन्स में क्या होता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूछे तो किस में होता है? आर्टरी में होता है, ठीक है? तो ये याद रखना है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होता है? वेन्स में होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज वाइटामिन इज वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन कौन सा होता है? तो इसमें से विटामिन सी है, ये वाटर सोल्यूबल होता है। याद रखना है, विटामिन बी, जो विटामिन बी और सी होते हैं ना, वो ये क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। और विटामिन ए डी ई के ये क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। इन पे भी बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है कई बार, तो ये याद रखना है कौन से वाटर सोल्यूबल है, कौन से फैट सोल्यूबल है, ठीक है? नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज पेलेग्रा। तो पेलेग्रा कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, किससे होता है? तो देख लीजिए आप, इसके ऑप्शंस कौन सा होगा इसका आंसर? तो पेलेग्रा जो होता है विटामिन B3 नाइसिन, ठीक है? नाइसिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? पेलेग्रा होता है, ठीक है? नाइसिन को बोलते हैं विटामिन B3, ठीक है? और राइबोफ्लेविन जो विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, ठीक है? ये भी याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज ड्रग इज़ यूज एज अ डायूरेटिक। तो इनमें से कौन सा है जो डायूरेटिक है? तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा फ्यूरोसीमाइड, ठीक है? फ्यूरोसीमाइड जो है ये क्या है? ये डायूरेटिक ड्रग है। तो ये फ्यूरोसीमाइड क्या होता है? लूप डायूरेटिक होता है, ठीक है? असेंडिंग लिंब ऑफ लूप को फैलने पे एक्ट करता है ये फ्यूरोसीमाइड, लूप डायूरेटिक होता है। और इसका ब्रांड नेम होता है लासिक्स या काइनेक्स। तो ये फ्यूरोसीमाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो ये याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है? और इसमें क्लोरप्रोपेमाइड जो है ये क्या होती है? ये एंटी उसमें आती है ना, ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स जो हम पढ़ते हैं उनमें आती है ये, टोलब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपेमाइड उसमें आती है ना, तो ये वो होती है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स हैं, ये डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं इनको, ठीक है? नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन क्या है,
विच ऑफ दीज इज एन एंटी कैंसर ड्रग, तो एंटी कैंसर ड्रग कौन सी है इनमें से, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट है, इसका ऑप्शन सी राइट है, जो कार्बोप्लेटिन है, कार्बोप्लेटिन क्या होती है, एंटी डायबिटिक ड्रग, ये एंटी कैंसर ड्रग है, सॉरी, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग ड्रग इज लाइकली टू बी टेपर्ड एंड स्टॉप्ड, ठीक है, तो इसमें इसका इसके ऑप्शन है अमोक्सिसिलिन है या फिर डाईथाइल कार्बामाजीन DEC, प्रेडनिसोलोन, मीरोपिनेन, तो इसका क्या होगा, कौन सी ड्रग है इसको टेपर्ड एंड स्टॉप, ठीक है, मतलब ग्रेजुअली डोज डिक्रीज करके मतलब उसको स्टॉप करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये होती है प्रेडनिसोलोन, जो स्टीरोइड्स होते हैं ना उनको मतलब एकदम से ना सडनली स्टॉप नहीं कर सकते, हमें हमें क्या करना पड़ता है, उनकी डोज धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज करके फिर इनको मतलब स्टॉप करना होता है, तो इसका प्रेडनिसोलोन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विल्सन डिजीज एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिज्म ऑफ, तो जो विल्सन डिजीज होती है तो ये किसके किसकी वजह से होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन इसका ये है कॉपर है, इसमें ये राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी राइट है, तो विल्सन डिजीज जो होती है ये कॉपर की वजह से होती है, ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, एंटीडोट फॉर हिपेरिन, तो हिपेरिन का एंटीडोट कौन सा है, तो ये तो काफ़ी बार बता चुके हैं, किसका है, प्रोटामिन सल्फेट होता है हिपेरिन का एंटीडोट, ठीक है, तो आप लोग मुझे बताना कि एन एसिटाइल सिस्टीन है ना, ये किसका एंटीडोट है, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीलेप्टिक ड्रग, तो कौन सी है जो एंटीलेप्टिक ड्रग है इनमें से, तो इनमें से ये सारी की सारी दी हुई है, देख लीजिए आप इनमें से कौन सी है, तो फिनोबार्बिटोन जो होती है ये क्या होती है, एंटीलेप्टिक ड्रग होती है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैज ड्राई कफ एज साइड इफेक्ट, तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ड्राई कफ किसका साइड इफेक्ट होता है, तो इसका ये किसका होता है, AC इनहिबिटर्स जो होते हैं ना, तो ऑप्शन डी राइट है, ये AC इनहिबिटर्स होते हैं, इनका साइड इफेक्ट क्या होता है, ड्राई कफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस ड्रग इज लाइकली टू बी यूज वीकली वंस, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो वीकली वंस मतलब एक बार यूज़ करते हैं वीक में, तो ये ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होती है मेथोट्रेक्सेट होती है, ठीक है, मेथोट्रेक्सेट जो होती है ये एंटी कैंसर ड्रग होती है, वीकली वंस इसको यूज़ करते हैं, और ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होती है, ठीक है, ये भी याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है मेथोट्रेक्सेट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फंगल एजेंट, एंटी फंगल एजेंट कौन सा है इनमें से, तो ऑप्शन है, देख लीजिए इनमें से कौन सा एंटी फंगल है, तो ये ऑप्शन सी है, मिकोनाजोल, ठीक है, मिकोनाजोल क्या है, ये एंटी फंगल है, ठीक है। नेक्स्ट है, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर वैल्यू इज अराउंड, तो नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर वैल्यू कितनी होती है, तो इन ऑप्शन में से क्या होगा इसका आंसर, 80 mg/dL होती है ना, ये होती है, ये लगभग ना 70-100 तक होती है, जो नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर वैल्यू जो होती है, तो इन ऑप्शन में से 80 mg/dL इसका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, केमिकल एनर्जी एट द सेलुलर लेवल इज इन द फॉर्म ऑफ, तो ये जो केमिकल एनर्जी होती है सेलुलर लेवल इन द किसकी फॉर्म में होती है, ये तो ये किसकी फॉर्म में होती है, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो इसका हो जाएगा ATP की फॉर्म में, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलिसिस रिजल्ट्स इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू, तो ग्लाइकोलिसिस से क्या होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है ग्लाइकोलिसिस में, तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट, ठीक है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुवेट के, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो एक ग्लूकोज से कितने, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। और आप लोग मुझे बताना ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहां पर होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में होती है या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कहां पर होती है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। विच मटेरियल इज प्रीडोमिनेंटली यूज इन द स्फिग्मोमैनोमीटर, तो स्फिग्मोमैनोमीटर में कौन सा यूज होता है इनमें से, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा मरकरी, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, मरकरी यूज होता है स्फिग्मोमैनोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज मीडिएटेड बाय हिस्टामिन S2 रिसेप्टर, तो इसका कौन सा ऑप्शन है, तो जो S2 रिसेप्टर होते हैं क्या कराते हैं, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन कराते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन नॉट बी गिवन एज IV बोलस शूट, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो IV बोलस शूट के थ्रू नहीं देते, तो ये अच्छे से देखना है, ठीक है, इसके ऑप्शन है पोटाशियम क्लोराइड, इंसुलिन, एडिनोसिन, डेक्सट्रोज, ठीक है, इनमें से एक ड्रग है जो हम IV बोलस रूट के थ्रू नहीं देते, ठीक है, तो इसका हो जाएगा पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड जो है उसको IV बोलस से नहीं दे सकते, बाकी की इसमें जो एडिनोसिन है, डेक्सट्रोज है, इंसुलिन है, और या फिर एक थियोफाइलिन भी होता है, ये सब जो
होते हैं इनको आईवी बोलर शूट से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, पोटाशियम क्लोराइड होगा इसका आंसर, बाकी की ड्रग्स जो है इनको ऐसे दे सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस ड्रग इज़ मोस्ट लाइकली टू बी यूज बाई कार्डियोलॉजिस्ट, तो ये कौन सी ड्रग है जो कार्डियोलॉजिस्ट के थ्रू यूज़ करी जाती है, तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप। तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रिप्टोकाइनेज, ठीक है। जो स्ट्रिप्टोकाइनेज जो होती है ये फिब्रिनोलिटिक्स ड्रग होती है, ठीक है, मतलब फिब्रिन को मतलब क्लोट को तोड़ती है। तो जैसे जैसे कहीं पे भी एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह हो रखी है तो उसमें क्लोट को डिजोल्व करने के लिए ड्रग काम आती है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, और जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ओके, थैंक यू।